आप सभी कर क्या रहे हैं? देवराज, आपको कुछ ज्ञात नहीं हुआ? प्रभु की धुनी सुनाई दे रही है देवराज। देवऋषि, ध्वनि तो मुझे भी सुनाई दे रही है, ये तो इसमें इतना अचंभित होने वाली क्या बात है? देवराज, प्रभु की ध्वनि सिर्फ हमें ही नहीं अपितु अब सभी को सुनाई दे रही है। अब हमारे साथ साथ पूरा वृंदावन प्रभु की ध्वनि को सुन सकता है। ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं आप सभी? कहीं आप सभी मेरे साथ उपहास तो नहीं कर रहे हैं कि मैं आप सभी को मूर्ख प्रतीत हो रहा हूं? इन तुच्छ साधारण वृंदावन वासियों को नारायण की वाणी भला कैसे सुनाई दे सकती है? जब मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है, उस दिन चाहे वो मनुष्य हो या देवता, उसे प्रभु की ध्वनि सुनाई नहीं देती। इतना ही नहीं अपितु उसे प्रभु की लीला दिखाई भी नहीं देती। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? ये सारे वृंदावन वासी गुफा से निकलकर नीचे क्यों उड़ा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? अवश्य यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंततः ये हो क्या रहा है? अंततः मेरे आराध्य के रहस्य के खुलने का समय आ ही गया। अब सभी वृंदावन वासी इस गोवर्धन को घेरा डालकर खड़े हो जाइए। ये क्या ये उस मायावी बालक की ध्वनि थी? क्या ये बालक बोल सकता है? परंतु कैसे? एक छोटा बालक कैसे बोल सकता है? ये कैसे संभव है? सेनापति जी, ये लोग तो गोवर्धन को घेरा डालकर खड़े हो रहे हैं, परंतु ये घेरा क्यों डाल रहे हैं? राधा रानी, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तो सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ काना। बताओ क्या करना है? हमें इस गोवर्धन पर्वत को उठाना है। कान्हा, तुमने गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात की? ये क्या, इनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसे केवल वही लोग देख पाएंगे जो विशेष है। ऐसे विशेष लोग जो मेरे भक्त हैं, या आगे जाकर जो भी मेरे भक्त बनेंगे उन सभी के नाम मेरी इस लीला से जुड़े होंगे। अब मैं अपनी वर्षा की तीव्रता ऐसे बढ़ाऊंगा संतुष्ट वृंदावन वासियों की सभी क्रीड़ाएं क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। प्रकाश मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो रहा है? ये कौन है वहां पर? ये कैसा प्रकाश है? हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सेनापति जी, आज्ञा दीजिए, आक्रमण करें। नहीं, जब तक तुम सब देख नहीं पाते आक्रमण नहीं करना। ये कैसे संभव है? सभी सैनिकों को कुछ नहीं दिख रहा है और केवल मैं ये दृश्य देख पा रहा हूँ।
कहीं भविष्य में मैं इस मायावी बालक का भक्त तो नहीं बन जाऊंगा। कान्हा, ये कैसे संभव है? इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को हम कैसे उठाएंगे? विश्वास से। आप सबके भीतर मेरे प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण आप इसे उठा पाएंगे। प्रयास करके देखिए। ये वो लीला है जहां मेरे आराध्य ने इस भयंकर वर्षा से आकाश में उत्पन्न हुई विद्युत से अपने प्रिय वृंदावन वासियों को बचाया, उन्हें संरक्षण दिया। नारायण के इस अवतार ने, यशोदा मैया और नंद बाबा के लल्ला ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। कैसा चमत्कार है! मेरे अलावा कोई भी दिव्य दृश्य को देख नहीं पा रहा। कृष्ण, मैंने आज तक आपका विरोधी बनकर आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ छल करने का प्रयास किया, प्रभु, फिर भी आपने इस अपनी दिव्य लीला को दिखाने के लिए केवल मुझे ही ये दिव्य दृष्टि देने का चयन क्यों किया? प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं इसके तो क्या आपके किसी भी आशीर्वाद के योग्य नहीं हूं प्रभु। परंतु आज से यह क्रूर आपको वचन देता है भगवान। यह क्रूर सदा सदा के लिए आपका भक्त बना रहेगा प्रभु। अक्रूर, तुम मेरे भक्त बन गए हो तो अब आगे का तुम्हारा मार्गदर्शन मैं अवश्य करूंगा।